और अब आपको दिन की अहम खबरें दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हैं, हर वो लोग देश के इस दशा और दिशा को तय करते हैं, वो सब दिल्ली में रहते हैं। लेकिन इसी दिल्ली में भूख से 3 बच्चों की मौत हो गई है। दिल्ली के मंडावली में 3 सगी बहनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भूख की वजह से मौत का खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने आशंका जताई है कि बच्चियों ने 8 दिन से कुछ नहीं खाया था। तीनों बच्चियों की उम्र 2 साल से 8 साल के बीच है। पड़ोसियों के मुताबिक ये परिवार कुछ दिन पहले ही मंडावली में आया था और किराए के एक मकान में रह रहा था। बच्चियां उल्टी करने लगी तो पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। लड़कियों का पिता मजदूरी करता है और मंगलवार से वो काम की तलाश में घर से गायब है। घटना के वक्त बच्चियों की मां मौजूद थी, लेकिन वो मानसिक तौर पर बीमार है। जिस इलाके में घटना हुई है वो दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र है। अभी तक प्राइमा फेसी, अभी तक ऐसा कोई फाउल प्ले नोटिस में नहीं आया। एक बार बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद फिर विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से एनीथिंग। दिल्ली सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। कई सारी बातों के ऊपर इस पे जांच होगी और जो भी लोग इन बच्चों की मृत्यु के लिए दोषी हैं उनको सरकार सख्ती से उनके साथ पेश आएगी।